बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है द नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, जिसको असाबी निजाम भी कहते हैं। आपके सामने ये ब्रेन है, जिसको उर्दू में दिमाग कहते हैं। ये ब्रेन, ये दिमाग है। एक स्कल, जिसको खोपड़ी कहते हैं, स्कल के अंदर ये लिखता होता है, इसको ब्रेन कहते हैं। और ये जो लंबी सी हड्डी है, इसको बैक बोन कहते हैं। बैक बोन से मुराद रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है। इसके बारे में आज हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल बताएंगे। मेन चीज है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपका ब्रेन, ब्रेन के अंदर फिर मिड ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है दिमाग का। फिर पॉउंस, इसके तीन हिस्से होते हैं, मिड ब्रेन, पॉउंस, मेडुला। मिड ब्रेन, पॉउंस, मेडुला, ये तीन बेसिक चीजें। और सेरेब्रम, ये ब्रेन का हिस्सा है। और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है, ये वॉलंटरी मसल है, मूवमेंट ऑटोनोमिक है। और पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक? सिंपैथेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो फाइट और फ्लाइट, फाइट या लड़ाई झगड़े में या फ्लाइट उड़ने में, यानी दिन के वक्त एक्टिव होता है सिंपैथेटिक सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक ये रेस्ट और डाइजेस्टिव, यानी हाजमे के दौरान, रात के वक्त, सोते वक्त जो आपके फंक्शन काम करते हैं। जैसे रात को आप सो जाते हैं तो दिल धड़क रहा होता है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट, लीवर अपना काम कर रहा होता है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। इसकी आसान सी मिसाल आपको समझाता हूँ, जैसे मेडिकल और पैरामेडिकल। मेडिकल मीन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल मीन उनके साथ काम करने वाले लोग, पैरामेडिकल कहलाते हैं। इसी तरह सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। सिंपैथेटिक सिस्टम में फाइट और फ्लाइट के वक्त, यानी ये दिन के वक्त एक्टिव होता है, और पैरासिम्पैथेटिक ये सुकून के वक्त एक्टिव होता है, यानी वो आपके ऑर्गन या अज़ा जो रात के वक्त सोते वक्त काम करते हैं, उसको पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड कहते हैं, और जो दिन के वक्त काम करते हैं उसे सिंपैथेटिक कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं अगली मामला, ये नर्वस सिस्टम था। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं ये चार्ट। मेजर चार्ट ये है, इसको आप समझे। ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये सी से सर्वाइकल, यहां से शुरू होते हैं, ये सेवन है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, यानी ये सर्वाइकल, सर्वाइकल है सेवन तक। और ये थोरैसिक है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T12 तक, ये थोरैसिक रीजन है। और इनका ये काम जो होता है सर्वाइकल, ये गर्दन के मोरे, गर्दन के मोरे, और इनका काम जो है यानी लंग्स के साथ, फेफड़ों के साथ, किडनी के साथ, तमाम के साथ ये अटैच है, इसके बगैर इसका गुजारा नहीं है। और ये लंबर पेन है, लंबर रीजन है, ये सारे मोरे जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, ये बेतरतीब है। इनकी डिटेल में आपको बाद में बताता हूं। एक चार्ट आपको और दिखाता हूं, उससे आपको क्लियर पता चलेगा। ये अगला चार्ट ये देखिए, ये डिस्क है। बाज बात आपने सुना होगा या किसी के एमआरआई करवाए, सीटी स्कैन करवाए, तो कहते हैं डिस्क खराब है। ये नॉर्मल डिस्क, ये नॉर्मल डिस्क है, तो सही डिस्क है, ये डिस्क उससे खराब है। देखिए इस डिस्क में और इसमें बहुत फर्क है, ये पिचक गई है, दरमियान में से खराब हो गई। उसके बाद अगली डिस्क है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ गया है, ये भी खराब डिस्क है, अब नॉर्मल है। और ये डिस्क देखिए, ये रेड बोन मैरो है, सुर्ख, ये बाहर निकल गए हैं, और यहाँ से होती होती ये थिनेक डिस्क है,
यानी ये बिल्कुल गरीब हो गई है, पिचक गई है, और जिसका ये फिर उनका सर्जरी होती है, जो न्यूरो सर्जन सर्जरी करते हैं, क्योंकि ये कमर के रीढ़ की हड्डी के मोरे हैं आसान लफ्जों में, जो ये खराब हो जाते हैं, और खराब होते होते यहाँ तक ये डिग्रेडेशन हो जाती है, ये खराब है, ये नॉर्मल डिस्क है, और इसके बाद ये तमाम डिस्क बाकी जो है ये सब अब नॉर्मल, इनको अब नॉर्मल डिस्क कहते हैं। इनके साइज देखें, ये पिचके हुए हैं, बिल्कुल पिचके हुए साइज है, इसको ये अब नॉर्मल डिस्क, ये मैंने आपको बताया। अब आपको पढ़ाते हैं, नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ये आपको कुछ चार्ट दिखाए, अब आपको उसकी डिटेल बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। नर्वस सिस्टम, इसके वर्टिब्रल कॉलम, इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन, इसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ 33 इरेगुलर बोन्स, यानी ये इरेगुलर जो बेतरतीबे हैं, 33 या आपके एमसीक्यूज है, पेपर में आ सकता है, 33 इरेगुलर बोन्स हैं, देयर बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन, जो आपको मैंने C1 C2 दिखाए उसके बारे